हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक सम्मोल और मेरे पास है अभी रेडमी का मॉडल है, रेडमी A1। ये आपका है मॉडल जिसमें लगा है आपका पैटर्न लॉक। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं जिसमें लगा है आपका पैटर्न लॉक। तो कैसे इस पैटर्न लॉक को रिमूव करेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पैटर्न लॉक रिमूव करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको अपना मेल आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए और जितने भी डाटा है फ़ोन में आपका सब कुछ डिलीट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहले क्या करना है, फ़ोन को कर लेना है। पहले यहाँ पर आपको पावर ऑफ, पहले यहाँ पर फ़ोन को कर लीजिए पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद आप यहाँ से आपका जो सिम है, मेमोरी है, टोटल सिम ट्रे को आप यहाँ पर निकाल लीजिए। सिम ट्रे निकालने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और यहाँ पर पावर ऑन की। तो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, वॉल्यूम प्लस को प्रेस करके पावर ऑन की को प्रेस करना है। मैं करता हूँ अभी, वॉल्यूम प्लस को प्रेस किया, पावर ऑन की को प्रेस किया, अभी फ़ोन एक बार वाइब्रेट हुआ। अभी मैं पावर ऑन की को छोड़ दूंगा, लेकिन वॉल्यूम प्लस को पकड़ के रखना है। ऐसे पावर ऑन की को छोड़ देना है, वॉल्यूम प्लस को ऐसे ही पकड़ के रखना है। तो आपको ऐसे एक लोगो आ जाएगा। आपको जब ऐसे लोगो आपको आ जाए तो क्या करना है, अभी क्या करना है ना, पावर ऑन की को प्रेस करके वॉल्यूम प्लस को, वॉल्यूम अप की को एक बार प्रेस करना है। मैं करता हूँ अभी, देखिए पावर ऑन की को मैं प्रेस किया, उसके बाद वॉल्यूम प्लस को प्रेस कर लिया। देखिए आपको ऐसे एंड्रॉइड रिकवरी का स्क्रीन आ जाएगा। ऐसे स्क्रीन आने के बाद वॉल्यूम माइनस में आना है, नीचे आपका लिखा होगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पर ठीक है लिखा हुआ है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। उसके बाद पावर ऑन की को एक बार पावर ऑन की को यहाँ पर प्रेस कर लीजिए। फिर से नीचे आना है, वॉल्यूम माइनस से नीचे फैक्ट्री डाटा रीसेट में फिर से आपको पावर ऑन की को एक बार प्रेस कर लेना है। नीचे देखिए अभी फॉर्मेट डाटा, डाटा फॉर्मेट अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी ये पूछ रहा है रिबूट सिस्टम नाउ, फिर से क्या करना है, पावर ऑन की को एक बार प्रेस कर लेना है। पावर ऑन की को एक बार प्रेस करने के बाद फ़ोन जो है आपका यहाँ पर अभी फॉर्मेट होगा, जितने भी डाटा है सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये प्रोसेस होने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। तो हम अभी वेट करते हैं पूरा फ़ोन ऑन होने तक। चलिए अभी हम वेट करते हैं थोड़ा। दोस्तों अभी वेट करने के बाद ऐसे सेटअप आपका आ जाएगा, यहाँ पर करना है स्टार्ट। उससे पहले आपको अपना सिम जो है निकाल लेते बाहर, उसको आप लगा लीजिए। लगाने के बाद अभी इंडिया यहाँ पर नेक्स्ट कर लीजिए, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर स्कीप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पर सिम लगाकर मोबाइल नेटवर्क के साथ इस फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको पूछेगा अपना मेल आईडी और पासवर्ड, या फिर जो पैटर्न लॉक दिए थे उसको पूछेगा। वो तो आपको याद नहीं है, लेकिन आपको करना है यूज माई गूगल अकाउंट, उसको करके आप अपना मेल आईडी पासवर्ड देके इसको सेटअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर वैलिड पासवर्ड इसमें नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पूछ रहा है FRP। यहाँ देखिए सेटअप ऑफलाइन में यहाँ पर कर दे रहा हूँ कंटिन्यू। लेकिन आपका वैलिड पासवर्ड आएगा, उसको देने के बाद आप ये प्रोसेस में जा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, काम आपका अभी कंप्लीट हो जाएगा। जो था लॉक वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर अभी वो खुल चुका है सेट। ठीक है, सब कुछ आपका अभी लॉक यहाँ पर खुल चुका है। देखिए मैं फिर से लॉक करता हूँ, फिर से अनलॉक किया। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।